Hello everyone. In this series of my lectures on various topics in sociology, today I'll be presenting Panchayat. What is Panchayati system in India, its format, provisions in our constitution and its importance in our society, its importance in our administration. Panchayati Raj system is a very big topic where its importance, its formation, its elections, its sourcing of funds, many topics. So it's not possible to cover everything in one video. So I'll be covering as of now its constitutions, its importance and the format. And in my next lecture, I'll be explaining the election functions, functions of panchayat, etc. मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच बीच में कुछ चीज़ों को हिंदी में भी बोलूं सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. हाउएवर आई डू नॉट थिंक दैट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई विल बी मूविंग टू माय नेक्स्ट दिस स्लाइड विच विल बी एक्सप्लेनिंग पंचायती राज एज एन इंस्टीट्यूशन. पंचायती राज, Gram Panchayat would be a major concern, a major central focal point today. However, the Panchayati Raj, how Panchayati Raj system came in existence in India. Now, what is Panchayat? What is Panchayat? Panchayat or Panchayati Raj is a system of governance in which Gram Panchayats are the basic unit of administration. जब मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायत बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, ब्लॉक गवर्नमेंट, समितियाँ एंड देन पंचायत. इट इज़ अ बेसिक एंड द लोएस्ट लेवल. व्हेन आई से लोएस्ट लेवल, इट डज नॉट मीन द इम्पॉर्टेंस इज द लोएस्ट लेवल. इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो नीचे दर्जे की नहीं है बल्कि सबसे ऊंचे दर्जे की है. क्योंकि अगर आप इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि पंचायती राज सिस्टम आया कैसे, ये नहीं है कि हमारे देश में पंचायत आज़ादी के पहले नहीं थी. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड पंचायती राज सिस्टम था जिसकी संगठन जिसको बोलते हैं वो उसकी संरचना हमारे सिस्टम में गांव में हमारे राजाओं के पास हमारे डिफरेंट जमींदारों के द्वारा एक अनऑर्गेनाइज्ड रूप में थी जहां पंचायत नाम की चीज़ चलती थी और लोग उस पंचायत के पास अपने डिसीजंस लेके जाते थे. पंचायत अपने गांव वालों के लिए करती थी और शायद वो आगे उन चीज़ों को राजा अपने अपने जगह के राजाओं को रिपोर्ट करती थी एंड दैट वॉज दिस सिस्टम in India. So Britishers, they were in the handful in country, so they could not control everybody in the crores of people. So what they did, they recognized the panchayat, and that is how the Panchayati Raj is created. And later on, government, Indian government has given a provision in constitution. There are certain amendments has been made in our constitution. बिल इज पास्ड और उसके बाद यहाँ तक कि ये हुआ कि पंचायत को एक बहुत इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया जाए. इसलिए हर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को उसको अपने तरीके से कानून बनाने की भी स्वतंत्रता दी दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर. यहाँ तक कि फंडिंग के विषय में, इलेक्शन के विषय में, अधिकारों के विषय में, ये सारे हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना अलग तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है पंचायत का. लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो एक है, उस मूल स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं किया गया है. सो व्हेन आई से द टर्म, इफ यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पंचायत सिस्टम इन इंडिया, पंचायत और पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट हैज थ्री लेवल्स, विलेज,
It has three levels: village, block, and districts. The term Panchayati Raj is relatively new, having originated during the British administration, as I explained, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. Raj literally means governance or the government. Panchayati Raj is a system of local government for villages, because panchayats are an effective vehicle for people's participation in administration. ये government ने इस बात को जाना कि जब तक नीचे जुड़े हुए लोग गांव से हर एक लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जुड़ेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका योगदान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा. इसलिए पंचायत को एक स्वायत्तता दी गई और पंचायत को अपने कार्य करने उनको अधिकार दिए गए. उनका एक इलेक्शन प्रोसेस है जो हर स्टेट गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है. देयरफॉर वी कैन से पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस. Why I am saying democratic process means election, removal of people, those who are not performing, and also the elections. Organization of village panchayats has been made under the directive principle of state policies, Article 5. Now, let us understand establishment of panchayati system. How the system came to our existence? There is some mistake, however, let us continue. Rural India has seen such panchayats for ages. Rural India में यानी कि गाँव में बहुत पहले से, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत पहले से इसका एक प्रावधान था, एक सिस्टम था. लोग ग्राम पंचायत होती थी, सरपंच होता था, मुखिया होता था, वो सारी चीजें होती थी. द न्यू पंचायत आर एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ओल्ड वंस इन यूनिफॉर्मिटी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेट सपोर्ट. दैट मीन्स जो पंचायत को रिकग्निशन नहीं मिली थी उसको रिकग्नाइज कर दिया गया, उसको एक स्वायत्तता दी गई, उनको एक स्वतंत्रता दी गई, उनको इलेक्शन प्रोसेस किया गया एंड स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1959. सो इट इज क्लियर दैट द पंचायत सिस्टम वॉज इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग लॉन्ग बैक बिफोर द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड. The Panchayati Raj system was introduced in 1959 on the recommendations of Balwant Rai Mehta Committee, which today I will not be discussing in details, however, we'll discuss a bit. Balwant Rai Mehta Samiti, उनकी एक recommendation थी, जिसको कि मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूंगा. सरकार को अपने कुछ कार्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहिए, उन्होंने कहा, और उन्हें एक ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास के सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी रहे. सरकार का काम सिर्फ इतना रहे कि ये इन संस्थाओं को पथ प्रदर्शन और निरीक्षण करती रहे. ये बलवंत राय की रिपोर्ट थी और रिकमेंडेशन थी. इट वॉज रिकमेंडेड दैट लोकल गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट इज हाउ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति एंड विलेजेस, दैट हैज बीन मेड द सिस्टम. लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए राज्यों की उच्चतर इकाइयों जैसे प्रखंड यानी ब्लॉक, प्रखंड जिसको BDO हम बोलते हैं, प्रखंड जिला से ग्राम पंचायतों का अटूट संबंध हो, इसलिए प्रखंड और जिले में भी पंचायती व्यवस्था को अपनाना आवश्यक है. प्रखंड स्तर पर एक निर्वाचित स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना की जाए जिसका नाम पंचायत समिति रखा जाए. इस पंचायत समिति का संगठन ग्राम पंचायतों द्वारा हो, जिसका संगठन ग्राम पंचायतों द्वारा हो. जिला स्तर पर एक निर्वाचित स्वायत्त शासन की शासन संस्था की स्थापना की जाए जिसका नाम जिला परिषद रखा जाए. इस जिला परिषद का संगठन पंचायत समितियों द्वारा हो. दैट मीन्स इस पंचायती राज सिस्टम को इस तरीके से संगठना की गई कि इसका जुड़ाव नीचे से लेके समिति, समिति से जिला एंड furthermore controlled by the states. Now, as I said, there are three layers of Panchayati Raj system: Zila Parishad,
पंचायत समिति नहीं ब्लॉक लेवल वेयर द बीडीओज आर ऑल्सो द पार्टिसिपेट बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दे आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत ऑटोमेटिकली हाउएवर दे आर नॉट इलेक्टेड ग्राम पंचायत लेवल विच वी विल बी डिस्कसिंग हियर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत द पंचायत एज बेस लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन governed by the 73rd amendment which is concerned with rural local government panchayat at district or apex level jisko hum zila parishad bolte hain and tisra panchayat at intermediate level jisko hum block samiti bolte hain gram sabha bolte hain gram sabha kya hai we'll be discussing later part mein kyunki there is a confusion in gram sabha and gram sabha aur panchayat mein we'll be discussing पंचायत ग्राम पंचायत का गठन कैसे हुआ कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत लेट्स टेक इट वन बाय वन सरपंच एक सरपंच होता है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं सरपंच बैठा हुआ इज द सरपंच देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में विच इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि न्याय पंचायत क्या होती है इसलिए इसको कहा जाता है ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं जिसका प्रधान सरपंच होता है सरपंच का निर्वाचन मुखिया की तरह ही प्रत्यक्ष ढंग से होता है जब मैं प्रत्यक्ष ढंग से कह रहा हूं दैट मींस डायरेक्ट इलेक्शन वेयर द पीपल आर पार्टिसिपेट एंड दे आर कास्टिंग देयर वोट एज वी कास्ट आर वोट फॉर असेंबली इलेक्शन एंड ऑल्सो द पार्लियामेंट्री इलेक्शन सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का है उसे कदाचार अक्षमता या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है मीनिंग देयर बाय दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर द गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट अगर 2 या 3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पार कर दे तो सरकार सरपंच को हटा सकती है सरपंच का प्रमुख कार्य ग्राम कचहरी का सभापत्य करना है सभापतित्व करना है सॉरी कचहरी के प्रत्येक तरह के मुकदमे की सुनवाई में सरपंच अवश्य रहता है सरपंच ही मुकदमे को स्वीकार करता है तथा मुकदमे के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध करता है वो प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए 2 पंचों को मनोनीत करता है ग्राम कचहरी की सफलता बहुत हद तक उनकी योग्यता पर निर्भर करती है लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत गठन आगे मुखिया क्या है ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया का एक स्थान महत्वपूर्ण है उसकी योग्यता कार्यकुशलता पर ही ग्राम पंचायत की सफलता निर्भर करती है मुखिया ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति के 4 सदस्यों को मनोनीत करता है मुखिया का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है लेकिन ग्राम पंचायत अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुखिया को हटा सकती है उसको पदच्युत कर सकती है एंड कैन बी रिमूव्ड पंचायत के सभी कार्यों की देखभाल मुखिया ही करता है मुखिया टेक्स केयर एवरी ईच एंड एवरी वन ही हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी मुखिया अपनी कार्यकारिणी समिति की सलाह से ग्राम पंचायत के अन्य कार्य भी कर सकता है ग्राम पंचायत में न्याय तथा शांति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी उसी पर है उसकी सहायता के लिए ग्राम रक्षा दल भी होता है विच आई विल बी डिस्क्लेमिंग लेटर ऑन आगे हमारे स्लाइड में है इस बात का उसकी सहायता के लिए ग्राम रक्षा दल होता है उसे ग्राम कल्याण कार्य के लिए बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारियों के समक्ष पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है वो ग्रामीण अफसरों के आचरण के विरुद्ध शिकायत भी कर सकता है इट्स इंपॉर्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मुखिया एंड ग्राम पंचायत में न्यायपालिका कैसी है न्याय की व्यवस्था कैसी होती है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम रक्षा दल पंचायत सेवक लिखा है आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड आउट एवरीथिंग वन नीड टू अंडरस्टैंड पॉज द स्लाइड एंड वन कैन रीड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सेक्रेटरी व्हाट इज पंचायत सेवक इज अ पर्सन विच इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इट इज एन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड ही डज एवरी रिपोर्टिंग टू
एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ही रिपोर्ट्स। ग्राम पंचायत के सभी ज्ञात अज्ञात प्रमाण पंचायत सेवक के पास सुरक्षित रहते हैं, अतः वो ग्राम पंचायत के कागजात से पूरी तरह परिचित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पेश करता है। संक्षेप में, ग्राम पंचायत के सभी कार्य के संपादन में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राम रक्षा दल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, 18 से 30 वर्ष के स्वस्थ युवकों से ग्राम रक्षा दल बनता है। गांव की रक्षा के लिए यह दल होता है जिसका संगठन ग्राम पंचायत करती है। चोरी डकैती अगलगी बाढ़ महामारी इत्यादि आकस्मिक घटनाओं के समय यह दल गांव की रक्षा करता है, इसका नेता कहलाता है। होप आई कुड मेक अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, इट्स इंपॉर्टेंस, द कंपोजिशंस, इट्स अ फॉर्मेशन, हाउएवर द functions of panchayat, sourcing of panchayat, I'll be explaining in my next video. So keep watching. If there is any comment, please do let me know. If I need to explain something more about panchayat, please also write in the comment box. And if anybody, if you want that there are other topics to be covered, you need to write on my comment box. I'll try to include in my lectures and audio. Thank you very much.